मॉर्निंग एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मेरा नाम है संगीता पुरोहित और उत्तराखंड के चमोली जिले से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज का मौसम आप देख ही रहे होंगे। चलिए करते हैं आज की व्लॉग की शुरुआत और आज दिखाती हूँ मैं यहाँ का व्यू। आज का मौसम आप देख रहे होंगे, धूप ढंग से नहीं लग रखी है और सुबह का टाइम है। और यहाँ देखे होंगे बहुत सारी घासें उग रखी है। और यहाँ देख रहे होंगे आप जगह जगह पे कुछ ना कुछ प्रकार की पत्तियाँ हो रखी है। ये पत्तियाँ देख रहे होंगे ये दूसरे टाइप की। और कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ उत्तराखंड में होती है वो जैसे दूसरे राज्य में नहीं होती होगी, यानी कि हर राज्य में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। जैसे ये देख रहे होंगे भीमल लगभग भारत में सब जगह पाया जाता है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा होता है भीमल। और ये अंजीर का पौधा पेड़ है, जो ये भी बारिश का पानी आता है ना तो यहाँ से पानी जाने लगता है और नहर टाइप की बन जाती है। आप देख रहे होंगे जगह जगह पे फिसलन हो रखी है, तो पानी की भी वजह से हो रखी है। और सभी ने अपने घरों के पीछे से ऐसी नहर जैसी निकाली होगी ताकि जो बरसात का पानी है वो किसी के घर के अंदर ना जाए। फिसलन हो रखी है, यहाँ देखिए कितने सारे कद्दू की बेल हो रखी है। और आजकल ही कद्दू होने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ आप देख रहे होंगे करेले के छोटे से पौधे, और ये जो तीखे वाले करेले होते हैं ना वो नहीं है, ये मीठे वाले करेले हैं। और ये देखिए कद्दू के छोटे छोटे से जो फूल लग गए हैं। पे देखो ये भी कद्दू के फूल लग रखे हैं छोटे छोटे। और यहाँ बहुत जगह कद्दू के फूल लग रखे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ टाइम बाद कद्दू के छोटे छोटे जो छोटे छोटे कद्दू के फूल है वो बड़े हो जाएंगे और उसके बाद कद्दू लग जाएंगे। और कद्दू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, मुझे तो बहुत बेस्ट लगती है। आपको जैसी भी लगती होगी, अगर आपको अच्छी लगती तो कमेंट में ज़रूर बताना। कि भाई यहाँ भी जो है केले के पौधे हो रखे हैं, पेड़ पौधे जो भी कहें हम। और इधर जो है घर के हर किसी के घर के आगे आपको हल्दी के छोटे छोटे पौधे दिखाई देंगे। और ये देखिए हल्दी का फूल दिख रहा है ना, ऐसा होता है हल्दी का फूल। और हमारे उत्तराखंड में सभी के घर के आगे या तो केले के पेड़ या तो हल्दी के पौधे दिखाई देंगे आपको। सबसे पहले मैं भूल ही गई, आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चाहे मैं इंग्लिश में बोलूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे या हिंदी में बोलूँ 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो खुश रहे, स्वस्थ रहे, बहुत अच्छे से मनाना। और हमारे स्कूल में जो है हमारे स्कूल में रैली होती है। रैली तो सभी जगह होती है, लेकिन आजकल हो सकता है कहीं बारिश हो रही हो तो तब नहीं हो पा रहा हो, लेकिन रैली सभी जगह होती है। और इतना मज़ा आता था और बहुत अच्छा भी लगता था। हम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते थे। अब तो मैंने 12th पास कर लिया है, घर में ही हूँ फिलहाल। और जो हम एक जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे ना, वहाँ हमारी जो मैम है वो जोर जोर से कहती थी हमें बोलने के लिए, आज क्या है 15 अगस्त, ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया करते थे हम। और हर मतलब जैसे 15 मीटर की दूरी पे जाके और हमें ये बोलना होता था नारा। उसके बाद देशभक्ति गीत भी बहुत ज़्यादा गाते थे हम, देशगान जो होता है, और बहुत अच्छा लगता था। और आज मैंने देखा मैम की जो वीडियो थी ना, एक मेरी चाची है उन्होंने एक वीडियो डाली हुई थी, स्टेटस डाला था मैम का, और मैम उसमें गा रही थी। तो मुझे इतना रोना आया कि मैं भी कितनी छोटी थी तब, जब हम भी जाया करते थे और छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम हम ना, हम छोटे छोटे थे जैसे 8 साल के होंगे, और उस टाइम हम बोला करते थे। देखिए आजकल जो है जो धान की फसल है वो बड़ी बड़ी हो चुकी है और सभी खेत हरे भरे हो गए हैं, आप देख रहे होंगे। और जहाँ जो फसल नहीं बोई थी तो वहाँ जो है मंडुआ बोया था, और मंडुआ भी लगभग हो चुका है जिन्होंने उनको मतलब उनकी जो झाड़ियाँ होती है ना, अगर वो निकाल ली होगी तो अच्छे खासे हो जाते हैं। और ये भट्ट की खेत है,
भट यानी कि सोयाबीन, और सोयाबीन का खेत है ये। इसमें बहुत सारे सोयाबीन हो रखे हैं, लेकिन इन्होंने अभी घास नहीं काटी होगी तो इसलिए सोयाबीन के पौधे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अगर खेत में हम सोयाबीन या मंडुआ बोते हैं तो उसकी निराई गुड़ाई करनी भी पड़ती है, तब जाके बहुत अच्छे तरीके से होता है। नीचे वाले खेत में दिखाती हूँ, वहाँ बहुत अच्छे से हो रखा है कि इस खेत में इन्होंने निराई गुड़ाई करी होगी तो यहाँ बहुत अच्छे से दिख रहे हैं मंडुआ के छोटे छोटे जो है पौधे, और बहुत अच्छे से हो रखा है इस खेत में। मैं नहीं जा पाई, मुझे बहुत ही गंदा लगा। मैंने जब वो स्टेटस देखा ना, सचमुच में मेरे आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि जब हम छोटे थे ना तब का मज़ा कुछ और ही था यार। अब हम बड़े हो गए हैं, अब मतलब उतनी जैसे बचपन में हम खूब कूदते थे, खूब मतलब नाचते थे कूदते थे, बहुत ज़्यादा आनाकानी करते थे, बहुत शैतानी करते थे, यानी कि नटखट थे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। लेकिन अब वैसे नटखटपन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम वैसे करेंगे ना हमें डांट पड़ जाएगी। लेकिन जब छोटे थे ना तब डांट भी पड़ती थी, लेकिन मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि हम वैसे ही कूदते रहते थे स्कूल में और बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे बहुत ज़्यादा। और हमारी जो मैम थी वो हमें मतलब हमारे छोटे छोटे हाथों में पेंसिल पकड़ा के हमें लिखाया करती थी, और बहुत अच्छा लगता था। क्या दिन थे वो भी। आप भी ज़रूर अपना जो बचपन है वो मिस करते होंगे, हर कोई करता है क्योंकि अब बड़े हो गए हैं और वैसे बचपना फिर से आ नहीं सकता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा याद आती है। तो क्या कर सकते हैं, फिर लाइफ है, एक दिन बड़े हो जाते हैं और कुछ मतलब कुछ साल बीतने पे धीरे 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 बूढ़े भी हो जाते हैं, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कभी बचपना था तो आज जवानी है, तो कल के दिन बूढ़े भी हो जाएंगे। तो यही जीवन का कुछ हाल है, और मैं तो कहती हूँ 4 दिन जीना है तो प्यार से रहिए, प्यार से खाइए पिए, और किसी से ज़्यादा दोस्त भावना रख बहुत अच्छे से रहिए। और 4 दिन की ज़िंदगी है, हंसते खेलते जीना है, और बस क्या कर सकते हैं, और यही जीवन का लक्ष्य है। और मतलब किसी को कुछ अच्छी बातें सिखा के जाइए, कोई भी जैसे होता है ना, कई लोग कितने भी बूढ़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी उनके मन में दूसरे के प्रति बैर भाव रहता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, और इस समय मैं इतने प्यारे नज़ारे में खड़ी हूँ, दिखाती हूँ, इतना खूबसूरत व्यू है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखे होंगी सामने की पहाड़ियाँ, की पहाड़ियाँ आप देख रहे होंगे कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, और ऊपर भी देखिए यहाँ से सभी जगह हरा ही हरा हो रखा है। और इस समय मैं अपने खेतों के बीच जगह पे आ रखी हूँ, चारों तरफ आप देख रहे होंगे इधर भी हरा उधर भी हरा, और यहाँ से जहाँ जहाँ नज़र पड़ रही है सब जगह हरा ही हरा है, और यहीं पर आने पर ऐसा सुकून महसूस होता है। ये देखिए यहाँ से हम ऊपर जाते हैं और ऐसे खेतों खेतों से होते हुए जाना पड़ता है, तो आपको हम डेली यहाँ से नीचे ऊपर जा रहे होते ना तो हमें देखने की आदत पड़ी रहती है, लेकिन कई दिनों बाद आ रहे हैं तो थोड़ा से बहुत ही अजीब सा हटके लग रहा है। यहाँ से कितने प्यारे से तरीके से झाड़ियाँ हो रखी है, और यहाँ पे से ऊपर रास्ता है ना तो फिर भी इतना प्यारा लग रहा है कि झाड़ियाँ जो है इस तरीके से हो रखी है ना। जब हम कई बार खूब शैतानी करते थे तो मैम भी हमें खूब पिटा करती थी और इतना डर जाते थे उसके बाद, बहुत ज़्यादा डरा करते थे। लेकिन आज सोचते हैं कि जब मैम को देख के हमें इतना डर लगता था, कांपने लगते थे, लेकिन आज जब मैम मिलती है ना तो हमें कोई डर नहीं लगता है। बचपन में भी कितनी डर रहती थी है ना, कभी घर वालों की कभी मैम लोगों की, बहुत ज़्यादा डर जाते थे थोड़ी सी भी डरा के, मतलब किसी ने थोड़ा डरा दिया ना तो इतना डर जाते थे। मम्मी बचपन में मुझे डराया करती थी कि ज़्यादा दूर नहीं जाना, वहाँ बाघ होता है, यानी कि बाघ बाघ करके डरा देती थी, और कहती थी कि जोगी बाबा ले जाएंगे उठा के, तो ऐसे ऐसे कह के बहुत ज़्यादा डरा देती थी, और हम डर भी जाते थे क्योंकि हमें ना, हम छोटे बच्चे थे, हमें हर कुछ रियली लगता था है ना,
आज जो जो चीज़ें आज सचमुच नहीं है वो बचपन में हमें सच लगती थी, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना तब हमें मालूम पड़ता है कि क्या सच है मतलब क्या झूठ है। हर किसी का बचपन में कुछ ना कुछ खूबी ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर होगी। आज भी जब छोटे बच्चों को देखती हूँ ना तो बहुत याद आती है अपने मतलब अपने बचपन की, और कभी कभी लगते हैं कि हम बड़े ही क्यों हुए यार, हम छोटे ही सही थे। तो जब हम छोटे थे ना तब हमें लगता था कि हम बड़े क्यों हुए होंगे, हम छोटे ही रहते थे तो ऐसा लगता था। समय मार्केट जा रही थी ना इसलिए मैं यहाँ से नीचे आ रही हूँ, और आज नंदाकिनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी यहाँ से। ओह माय गॉड, माय गॉड, नदी इतनी खतरनाक आ रखी है बताया नहीं जा सकता है, और यहाँ इतनी तेज आ रखी है तो सिटी साइड में कितनी ज़्यादा आ रखी होगी, वहाँ तो सारी नदियाँ इकट्ठा होके आ जाती है। तो दिखाती हूँ कितना रौद्र रूप हो रखा है नदी का। यहीं से आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी आवाज़ आ रही है नदी की, और इतना तेज बहाव है नदी का कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यहीं से। और यहाँ से नीचे चलते हुए ना सीधे पुल में जब जाऊँगी ना पुल में से ज़्यादा डर लगता है। ये देखिए कितना तेज बहाव है नदी का, और सिटीज़ में इतना बड़ा शोर नहीं होता है क्योंकि वहाँ नदियाँ सिंपल चलती है, लेकिन यहाँ से नीचे होते हुए जाती है ना इसलिए आवाज़ आती है बहुत तेज़ की। नदी का उफान तो देखिए कितना तेज आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं मार्केट में हूँ लेकिन इसके लिए सॉरी कहूँगी, मैं ज़्यादा व्यू नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि इस समय मैं बहुत जल्दी में हूँ, और कभी मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं आराम से मार्केट जा रही हूँ तब जाके पूरा मार्केट दिखाऊँगी। आप में से किसी ने कहा था कि आपने मार्केट पूरा नहीं दिखाया अपना, तो सॉरी कहूँगी इसके लिए, और इस समय भी मैं बहुत जल्दी में हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी। लेटू है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, राम राम, बाय।